प्रेज लॉर्ड क्रिस्ट में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया मृत विश्वासियों का त्योहार मनाती है। आज का वचन बहुत लंबा है, फिर भी हम पढ़ेंगे संत मती के सुसमाचार अध्याय 25 प्रसंग 31 से लेकर। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उनके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और आपको अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुम मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा प्यासा परदेशी नंगा बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की। तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। क्रिस्त में प्यारी भाई और बहनों, मैं आप सबों के साथ बहुत छोटी दो बातों को रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम बात, हमें हमारे मृतकों के लिए क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। अवश्य हमारे नॉन कैथोलिक भाई बहन ये सवाल हमसे पूछते हैं, हमें हमारे मृतकों के लिए क्यों प्रार्थना करनी है, हमारी प्रार्थना में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा वे अनंत सुग में प्रवेश कर सकते हैं। सवाल लाजमी है, अगर प्रभु की रक्षा पूर्ण है और हम सबों के लिए पर्याप्त है तो फिर हम उस पे क्या कर सकते हैं। अगर कोई चीज परिपूर्ण है तो उस पर और क्या किया जा सकता है। प्यारे भाई और बहनों, इस परिप्रेक्ष्य में एक जो बात हमारे बिशप स्वामी जी द्वारा विगत साल ऑल सोल्स डे के अवसर पर जो प्रवचन में कहा वो मेरे मन में इस वक्त आ रहा है। वो कह रहे हैं, हम इसलिए हमारे मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे पूर्ण रूप से विशुद्ध या पवित्र नहीं हुए हैं। अगर वे पूर्ण रूप से विशुद्ध या पवित्र नहीं है और फिर भी प्रभु उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश देना चाहते हैं तो वे ऐसी जगह पर है जैसे एक जेल होता है, जो जेल में कैदी होते हैं या जेल में जो भी रहते हैं वो अपने लिए अपना बचाव नहीं कर सकता है, उसके बचाव करने के लिए बाहर जो कोई है उनको कार्य करना पड़ता है, उन्हें वकील को लगाना पड़ता है, केस मुकदमा में जाना पड़ता है और उसके बाद उन्हें
शायद सजा से मुक्ति या पैरोल मिल जाता है। उन तमाम कार्य जो कैदी हैं वो व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता है, ये उसके लिए और कोई करता है। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, जो हमारे भाई बहन हमसे बिछुड़ जाते हैं, वे स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। अगर प्रभु के क्रूस मरण पर शक्ति है, उसी क्रूस मरण की शक्ति के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उस प्रभु के क्रूस के द्वारा, पवित्र यूक्रिस्ट के द्वारा, जहां पर उनकी मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है, उसी की योग्यता के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करते हैं। क्योंकि प्रभु के लहू द्वारा मुक्ति है। प्रभु एक बार लहू जो बहाया, उस पर हमारी मुक्ति है। और अगर हम उस लहू के माध्यम से और उस लहू की मध्यस्थता द्वारा जब प्रार्थना करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, उस पर और भी शक्ति है। जब हमारे मृत लोगों के लिए हम उसी लहू की मध्यस्थता द्वारा, विशेष रूप से कैथोलिक लोग जब पवित्र मिसाएं चढ़ाते हैं, वहां पर उनकी मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है, उस पुनरावृत्ति के मध्यस्थता द्वारा और उस पवित्र यूक्रिस्ट के शक्ति द्वारा प्रभु हमारे पापों को मुक्त कर देता है और वह अनंत विश्रांति में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम बात। दूसरी बात, एक और बात को मैं जोड़ना चाहूंगा जो आज के सुसमाचार से जुड़े हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर इस बात को आप सबों के सामने दोहराया हूं कि हमारे न्याय, हम किस प्रकार दूजों के साथ व्यवहार करते हैं, उस पर 100% निर्भर है। आज प्रभु ने वचनों में बताया गया है किस प्रकार न्याय होने वाला है, मेरे और आपका न्याय किस प्रकार होने वाला है। ये ना पूछे जाएंगे कि आप कैथोलिक थे, ये ना पूछे जाएंगे कि आप विश्वासी थे, ये ना पूछे जाएंगे कि आप कितनी बार पवित्र मिसा अटेंड करी, ये ना पूछे जाएंगे आप कितने प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करी, ये पूछे जाएंगे आप अपने भाई अपनी बहन के साथ में किस तरह व्यवहार किया। जब वे भूखे थे क्या आपने खाना खिलाए, जब वे प्यासे थे क्या आपने उन्हें पानी पिलाया, जब नंगे थे क्या उन्हें आपने वस्त्र पहनाए। सवाल यही होने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, पूरी दुनिया की भूख हम नहीं मिटा सकते हैं। हम छोटे लोग हैं, बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों के भूख हम अवश्य मिटा सकते हैं जो हमारे आसपास के होते हैं, जिन्हें हम देखकर जिस वक्त अनदेखा करते हैं। मैं कहना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, ये अवश्य प्रभु के न्याय के दिन हमसे सवाल करने के लिए हमारे सामने रखे जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, जब हम आज मृतकों का त्योहार मनाते हैं, ऑल सोल्स डे मनाते समय, हम सबों की मृत्यु के बारे में भी हमें यह अवगत कराते हैं, विशेष रूप से हमारे न्याय के बारे में आज के वचनों के द्वारा हमें अवगत किया गया है। ये भी नहीं पूछने वाला है मैं कितनी बार बाइबल पढ़ा, ये पूछने वाले हैं जब मेरे भाई मेरी बहन जरूरत में थे, क्या आपने उनकी मदद की या नहीं।